अगर कोई ये बोल रहा है कि दो दिन में वो आपके सिक्स पैक्स निकलवा देगा या दो दिन में वेट कम करवा देगा तो चूतिया बना रहा है तुम्हारा वो, चक्कर में मत पड़ो उसके बिल्कुल भी। कोई भी बॉडी का ट्रांसफॉर्म जो आप ट्रांसफॉर्म कर, कैसे आप सब, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो गाइज आप लोगों की रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी कि आपने वेट गेन पे तो बता दिया कि कैसे वेट गेन करना है, लेकिन जो लोग बहुत हेल्दी हैं वो लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे कि फैट लॉस पे भी कुछ वीडियो बनाइए, कुछ बताइए कि हम कैसे जल्द से जल्द फैट लॉस कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा जैसे कहता हूँ जल्दी कुछ नहीं होता है। अगर आपको वो चीज़ बढ़ाने में इतना टाइम लगा है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो दो दिन में कम हो जाएगी। हाँ, जो बहुत सारे आजकल बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो फेक थंबनेल बना के कि दो दिन में फैट लॉस करें, ये करें वो करें, दो दिन में होता कुछ नहीं है। आप जाके वो वीडियो देखोगे, उनका जरूर फायदा हो जाता है उस वीडियो देखने से। तो आप ऐसे फेक लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए जो ऐसे फेक थंबनेल बनाते हैं और व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स गेन करते हैं। मेरे जितने भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं बहुत ही जेन्युइन हैं, वो एक रियल साइंस बेस्ड नॉलेज में बिलीव रखते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी में मुझे सब्सक्राइबर्स मिले जो जेन्युइन हो, फेक कोई भी ना हो। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बनाता हूँ जो बिल्कुल सही होती है, कोई फेक वीडियो नहीं बनाता मैं। तो चलिए गाइस बात करते हैं अपनी जो फैट लॉस, आप कैसे फैट लॉस कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि इट्स ऑल अबाउट कैलोरीज। आप जैसे ज्यादा कैलोरी लेंगे अपनी अपने वेट के अकॉर्डिंग तो आपका वेट गेन होगा। अगर आपको वेट कट करना है तो आपको उस हिसाब से कैलोरीज कट डाउन करनी पड़ेंगी। आपकी बॉडी को अगर गेन करने के लिए 2500 कैलोरीज पर डे की जरूरत है तो आपको उसी हिसाब से कैलोरीज कट डाउन करनी पड़ेंगी, तभी आपका फैट लॉस हो सकता है। जब तक आप कैलोरीज कट नहीं करेंगे, आप कितना भी वर्कआउट कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। तो सबसे मेन आप एक अपना सुबह से शाम तक का एक चार्ट प्रिपेयर करिए, उसमें देखिए कि आपको कहाँ कहाँ से कैलोरीज आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, आपको क्या क्या कट करने की जरूरत है। बहुत सारी आजकल एंड्रॉइड फोन में या iOS जो भी हो एप्स एप्लीकेशन मिल जाती है जिससे आप अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। आप डाउनलोड कर लीजिए वो और बस उस हिसाब से आप अपना एवरेज लगा दीजिए कि आपको कितनी कैलोरीज जरूरत होती है फैट कट करने के लिए। चलिए अब एक दूसरा टॉपिक इसी वीडियो में मैं कवर करना चाहूंगा कि बहुत लोग पूछते हैं कि फैट लॉस करने के लिए या वेट लॉस करने के लिए हमें वेट ट्रेनिंग ज्यादा करनी चाहिए या हमें कार्डियोवैस्कुलर जो ट्रेनिंग होती है ट्रेडमिल में भागना वगैरह कि वो ज्यादा करनी चाहिए। देखिए गाइस, इसमें कोई भी बहुत बड़ा मिथ लोगों ने बना रखा है कि कार्डियो से फैट लॉस होता है, वेट ट्रेनिंग से मसल्स बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप वेट ट्रेनिंग में भी अपनी कार्डियो कर सकते हैं। कार्डियो का मतलब ये नहीं होता है कि बस ट्रेडमिल में भागना, साइकिल चलाना वही एक कार्डियो एक्सरसाइज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कार्डियो वेस्कुलर एक्सरसाइज मतलब है कि आप किसी एक ही मूवमेंट को बार बार कर रहे हो। आप लाइट वेट से वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आप लाइट वेट से आपने ज्यादा रेपिटेशन मार दी तो वो भी एक तरीके की आपकी कार्डियो वेस्कुलर एक्सरसाइज ही होगी। ऐसा नहीं है कि आप बस ट्रेडमिल में भाग रहे हैं तो वही कार्डियो है, बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की ऐसी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मेरी सलाह है जो आप लोगों में से बिगिनर लोग हैं, जो नए लोग हैं, वो वेट ट्रेनिंग प्रॉपर वेट से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको बैलेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो वो लाइट वेट से स्टार्ट करें और जो बिगिनर है वो थोड़ा सा कार्डियो में ध्यान दें। बाद में आप धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस लेवल में इंटरमीडिएट लेवल में पहुंचोगे तो आप धीरे धीरे उसको वेट ट्रेनिंग की तरफ थोड़ा डाइवर्ट हो जाइए। केवल कार्डियो ट्रेडमिल में भागना या साइकिल चलाना फैट लॉस इससे होगा, पर एक जो आपको फिजिक अचीव करनी है, आपको ऐसा नहीं है कि आप मोटे से केवल पतले हो, आपको अपनी एक पर्सनालिटी जो चाहिए वो ओवरऑल फिट दिखनी चाहिए। आप पतले हो, आपने बहुत आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो मोटे से पतले होते हैं, दौड़ दौड़ के कहते हैं हम तो 10 किलोमीटर दौड़ते हैं हमारा फैट लॉस हो गया, लेकिन आप कभी उनकी स्किन क्वालिटी को देखिए, उनकी स्किन पूरी बॉडी की लूज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उन्होंने वेट ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करी होती है। अगर आपको एक वेल मेड फिजिक चाहिए, आपको अच्छा दिखना है ओवरऑल, तो आपको दोनों का बैलेंस जरूरी है। मैं कार्डियो के खिलाफ नहीं हूं, ये मैं खुद कार्डियो एक्सरसाइज करता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको दोनों
दोनों चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है कि आप अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप कार्डियो भी करो, अगर आप कार्डियो कर रहे हो तो आप वेट ट्रेनिंग भी करो, लेकिन दोनों को साथ में करना है, किसी एक पे आप बिल्कुल भी डिपेंड मत होइए अगर आपको फैट लॉस करना है तो, क्योंकि किसी एक चीज से कभी कुछ नहीं होता है। लेकिन लोगों ने एक बहुत बहुत ज्यादा मिथ बना रखा है कि नहीं बस ट्रेडमिल में भागते रहो भागते रहो भागते रहो। आपका ट्रेडमिल में भागने से बेशक वेट ट्रेनिंग में आपकी कम कैलोरीज बर्न होंगी, ट्रेडमिल में ज्यादा होंगी, मैं मानता हूं उस चीज को, लेकिन जितनी देर आप वर्कआउट करोगे बस उतनी ही देर आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। सपोज करिए कि आप ट्रेडमिल में एक घंटा रन कर रहे हैं, आपकी 300 कैलोरीज बर्न हो गई है, आपने वेट ट्रेनिंग एक घंटे करी आपकी केवल 150, उससे आधी कैलोरी बर्न हो रही होंगी। लेकिन वेट ट्रेनिंग में क्या है, वेट ट्रेनिंग आप जिम के बाद जब आप घर जाओगे, अपनी आप डेली एक्टिविटी करोगे, कुछ भी खाओगे पियोगे, तब भी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट इतना हाई हो जाएगा कि वो ओवरऑल पूरे दिन आपकी कैलोरीज बर्न करता रहेगा और साथ में कैलोरीज बर्न करने के अलावा आपकी मसल्स को भी इम्प्रूव करेगा। बट कार्डियो में ऐसा नहीं है, कार्डियो केवल उतनी देर के लिए वर्क करेगी जितनी देर आप जिम में रहोगे, आपने 300 कैलोरीज बर्न कर ली, इसके बाद आप बैठ गए घर, आपका काम खत्म। तो इसलिए बस मेरा ये मानना है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि आप दोनों चीजों का बैलेंस बना के चलिए, अगर आपको फैट लॉस या वेट लॉस करना है तो आप ट्राई करके देखिए इसको, 2-3 महीने तक, 12 वीक तक कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है 2 दिन में कभी नहीं होता है। अगर कोई ये बोल रहा है कि 2 दिन में वो आपके 6 पैक्स निकलवा देगा या 2 दिन में वेट कम करवा देगा तो चूतिया बना रहा है तुम्हारा, वो चक्कर मत पड़ो उसके बिल्कुल भी। कोई भी बॉडी का ट्रांसफॉर्म जो आप ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे ट्रांसफॉर्मेशन में, मिनिमम टू मिनिमम कम से कम 12 वीक 3 महीने तो लगते ही लगते हैं, और आपको वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, कुछ भी करना है, सिंपल सी बात है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पता है ना आपको क्या करना है, लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड।